हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन इस प्यार में, इस सहयोग में कुछ कमी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सहयोग को बढ़ाएंगे, अपना जो प्यार है उसको बढ़ाएंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो रेगुलर अपडेट हैं वो आपको मिल सके। इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एनिडेशन एंड एलिलोपैथी। तो एनिडेशन क्या है और एलिलोपैथी क्या है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ये पिछले वीडियो से रिलेटेड टर्म है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में समझे थे कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और इंटरक्रॉपिंग के अलग अलग प्रकारों को भी हमने समझा था। तो इंटरक्रॉपिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी क्रॉप होती है, दो या दो से अधिक क्रॉप होती है जिनको हम एक साथ लगाते हैं और एक निर्धारित संख्या में लगाते हैं। निर्धारित संख्या होती है, निर्धारित रो होती है, उन रो में हम जो है क्रॉप्स को लगाते हैं। तो ये जो क्रॉप हम एक दूसरे के साथ लगाते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है। ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए हमने इंटरक्रॉपिंग में ये भी आपको बताया था कि जो इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं हम, इंटरक्रॉपिंग जो करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे कि हम डीप रूटेड प्लस शैलो रूटेड, जिनकी जड़ें गहरी हैं और जिनकी जड़ें उथली हैं, ऐसी क्रॉप को हम साथ में लगाएंगे। या फिर लेग्यूमिनस क्रॉप को नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ लगाएंगे। सेम हैबिट, सेम ग्रोइंग हैबिट वाली क्रॉप्स को एक साथ नहीं लगाएंगे, डिफरेंट ग्रोइंग हैबिट्स वाली क्रॉप को लगाएंगे। जिनकी न्यूट्रिएंट डिमांड अलग अलग टाइम पे हो, ऐसी क्रॉप्स को लगाएंगे। जो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ऐसी क्रॉप को लगाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमको इंटरक्रॉपिंग के दौरान ध्यान में रखना रहता है। तो इसी से रिलेटेड एक ये जो टर्मिनोलॉजी है, एलिलोपैथी या फिर एनिडेशन, ये इसी से रिलेटेड है। जब हम दो क्रॉप को साथ में लगाते हैं तो अगर इन दोनों क्रॉप के बीच में कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, मतलब एक क्रॉप, ये जो फर्स्ट क्रॉप है ये अगर सेकेंड क्रॉप को क्या करती है, कंप्लीमेंट करती है। भाई कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है, इसको सहयोग करती है, इसकी हेल्प करती है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एनिडेशन कहते हैं। तो एनिडेशन इज द कंप्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन टू इंटरक्रॉप्स। एनिडेशन इज द कंप्लीमेंट्री एक्शन और कंप्लीमेंट्री बिहेवियर ऑफ टू इंटरक्रॉप्स। ठीक है, तो जो दो इंटरक्रॉप्स हम लगा रहे हैं उनके बीच में जो कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, जो कंप्लीमेंट्री सहयोग एक हिसाब से होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनिडेशन कहते हैं, उसी को हम एनिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है एनिडेशन आपको समझ में आया होगा। एनिडेशन और कुछ नहीं है, जब हम दो क्रॉप को एक साथ लगाते हैं तो उनका जो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, जो कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनिडेशन कहते हैं, उसी को हम एनिडेशन कहते हैं। अच्छा, एनिडेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो स्पेशियल, मतलब जो स्पेस के आधार पे हो, दूसरा टेम्पोरल, जो कि टाइम के आधार पे हो। जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेम्पोरल क्या होता है और स्पेशियल क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था मल्टी लेवल क्रॉपिंग, आपको याद होगा मल्टी लेवल क्रॉपिंग हमने आपको बताया था। मल्टी लेवल क्रॉपिंग को हम लोग मल्टी टायर क्रॉपिंग भी बोलते थे।
या फिर हम इसी को मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग भी बोलते थे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हैबिट वाली क्रॉप्स को लगाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैबिट प्लांट हाइट वाली क्रॉप्स को लगाने का क्या मतलब है, जैसे कि एक जैसे हमने बताया था आपको कोकोनट, हमने यहाँ पे कोकोनट लगाया हुआ था इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे ब्लैक पेपर लगाया हुआ था। तो कोकोनट की ऊंचाई आपको पता है कि 10 से 12 मीटर तक की होती है, और ब्लैक पेपर की ऊंचाई आपको पता है कि 6 से 8 मीटर तक की होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमने फिर आपको बताया था कि हम कोकोवा लगाते हैं बीच में, इस तरीके से कोकोवा लगाते हैं, कोकोवा लगाते हैं। तो कोकोवा की हैबिट आपको पता है, कोकोवा की जो हाइट है वो 3 मीटर होती लगभग। फिर इसके बाद हमने बीच में आपको जो है यहाँ पे बताया था कि भाई पाइनएप्पल लगा दें, पाइनएप्पल 1 मीटर का होता है। तो इस तरीके से अलग प्लांट हाइट वाली हम लोग जो है क्रॉप को लगा रहे थे एक साथ में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो कोकोनट है ये हाई टेम्परेचर को, हाई लाइट को जो है सहन कर सकता है, ये थोड़ी सी तेज हवा को भी सहन कर सकता है। इस तरीके से ये जो है ये हाई लाइट को सहन करने वाली क्रॉप हो गई। अच्छा, जो नीचे क्रॉप लगी हुई है ये हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सहन कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, और ये शेड लविंग है, ये शेड लविंग है, छायादार जो है इनको स्थान पसंद है। तो इस तरीके से इन दोनों में क्या हो रहा है, जो एक लेवल है हाइट का, जो एक लेवल है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। ये जो कोकोनट है ये इसके लिए जो है एक प्रकार से शेड प्रोवाइड कर रहा है, या फिर ये जो कोकोवा है ये पाइनएप्पल के लिए जो है एक शेड जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों जो एक दूसरे में कंप्लीमेंट करके ग्रो कर रही हैं, इसी को क्या कहा जा रहा है, एनिडेशन कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो एनिडेशन है ये स्पेस के आधार पे है, ये स्पेस के आधार पे, ये ज्यादा ऊंचाई पे है, ये दूसरा स्पेस हो गया। ये जो है जो हमने बताया आपको पाइनएप्पल, ये बिल्कुल नीचे ग्राउंड सरफेस पे है। तो इस तरीके से ये स्पेशियल जो है एनिडेशन हो गया। स्पेस के आधार पे जब बेनिफिट मिलता है दूसरी क्रॉप को तो उसको कहते हैं स्पेशियल एनिडेशन, उसी को हम कहते हैं स्पेशियल एनिडेशन। अच्छा, इनका रूट भी जो है अलग अलग, जैसे कि कुछ की रूट जो है ज्यादा नीचे तक जाएंगी मिट्टी में, जो है ग्राउंड में ज्यादा नीचे तक जाएंगी, कुछ की रूट जो है कम नीचे तक जाएंगी। तो इस तरीके से वो अलग अलग लेयर्स, जो मिट्टी की अलग अलग लेयर्स हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर एक ही जगह सारी जो है पौधों की रूट चली गई तो वहां पे फिर इनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सारी जो है जो क्रॉप्स हैं वो उसी सॉइल लेयर से जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है रूट ग्रोथ वाली क्रॉप्स को भी लगाते हैं, जिससे जो इंटरक्रॉपिंग है वो सक्सेस हो पाती है। तो उम्मीद है ये स्पेशियल एनिडेशन आपको समझ में आया होगा। स्पेशियल एनिडेशन में ये होता है कि स्पेस का एडवांटेज मिलता है, इनका जो है प्लस का एडवांटेज मिल जाता है कि एक जो है अलग हाइट वाली है क्रॉप और दूसरी जो है दूसरी हाइट वाली है। तो इस तरीके से इनको एक प्रकार से स्पेस का जो है एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है टेम्पोरल है, टेम्पोरल एनिडेशन। टेम्पोरल का मतलब होता है भाई टाइम से, जैसा कि आपको याद होगा हमने आपको पैरेलल क्रॉपिंग में बताया था, पैरेलल क्रॉपिंग आपको मैंने बताया था, पैरेलल क्रॉपिंग में मैंने क्या बताया था भाई, आज मैंने अपने जो है जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है, आप लोग उसमें कमेंट्स करिए, उसका आंसर करिए, जरूर से जरूर करिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी सेक्शन में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको आप लोग जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करिए, इसमें कमेंट्स करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है ये सही होगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। इसमें हमने करीब करीब 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है डाले हुए हैं कम्युनिटी सेक्शन में। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग पार्टिसिपेट करिए, इनका आंसर भी हमने जो है दे रखा है उसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उन वीडियो को भी आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए चीज़ों को। जब आप लिखते हैं कोई चीज़, जब आप लिख देते हैं तो वो चीज़ आपको जो है याद हो जाती है।
तो कमेंट्स बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे रिलेटेड जो है चीजें आप लोग लिखिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सीखने की कला है, इन सब में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था पैरेलल क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग में मैंने आपको बताया था मेज प्लस मूंग बीन, मेज प्लस मूंग बीन। तो इसमें क्या था कि हम लोग मेज और मूंग बीन को साथ में लगा रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग मेज और मूंग बीन को एक साथ में लगा रहे थे और ये जो टाइप था वो था पैरेलल क्रॉपिंग का टाइप। तो इसमें हमने आपको आंसर भी बता दिया है, जो कम्युनिटी सेक्शन में जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसका मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी बता दिया है। तो अब तो आप लोग जरूर से जरूर उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के कमेंट्स में लिखिए कि दिस इज ए टाइप ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था मेज प्लस मूंग बीन, मेज प्लस मूंग बीन जो है ये पैरेलल क्रॉपिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने आपको बताया था मेज की जो न्यूट्रिएंट डिमांड की जो पीक पीरियड होती है वो क्या होती है, 50 to 55 days की होती है, जबकि मूंग बीन का जो न्यूट्रिएंट डिमांड का पीक पीरियड होता है वो 30 to 35 days का होता है। मतलब बुआई से 30 से 35 दिनों में इसको जो है न्यूट्रिएंट्स की इसकी पीक डिमांड होती है, मेज में 50 से 55 दिन पे पीक डिमांड होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे ये न्यूट्रिएंट्स की डिमांड कर रहे हैं, एक साथ न्यूट्रिएंट्स की डिमांड नहीं है इन दोनों में। अगर एक साथ न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पर जाएगी तो फिर क्या होगा, कमी आ जाएगी, फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इनका जो इंटरेक्शन है वो कम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, इसी को हम क्या कहेंगे, एनिडेशन कहेंगे। और ये एनिडेशन का टेम्पोरल टाइप है, मतलब टाइम के आधार पे, इसका टाइम अलग है न्यूट्रिएंट डिमांड का और इसका टाइम अलग है न्यूट्रिएंट डिमांड का, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एक दोनों को सहयोग कर रहे हैं, दिस इज एनिडेशन एंड एनिडेशन का जो है टेम्पोरल टाइप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टेम्पोरल टाइप भी समझ में आया होगा, टेम्पोरल टाइप क्या है, ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं एलिलोपैथी क्या है, एलिलोपैथी। तो एलिलोपैथी जो है ये एनिडेशन का ही जस्ट अपोजिट शब्द है। तो एलिलोपैथी में क्या होता है कि जब हम दो क्रॉप को एक साथ लगाते हैं तो एक क्रॉप अगर दूसरे क्रॉप को निगेटिवली अफेक्ट कर रही, मतलब ये जो क्रॉप है, सपोज दैट यहाँ पे एक क्रॉप है और ये दूसरी क्रॉप है, इस क्रॉप से कुछ ऐसे केमिकल निकल रहे हैं जो इस क्रॉप की ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर दे रहे हैं, या फिर इस क्रॉप के जर्मिनेशन को ही क्या कर दे रहे हैं, इनहिबिट कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, इसके अंकुरण को ही रोक दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, एलिलोपैथी बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिलोपैथी बोलेंगे। तो ये जो एलिलोपैथी है ये दो तरीके से एक प्रकार से हो सकती है, जैसे कि ये मान लीजिए जो है इसके रूट्स, यहाँ पे इसकी रूट्स है, तो रूट्स से जो है केमिकल निकल रहे हैं और इसको जो है अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है एलिलोपैथी में कि एक जो क्रॉप है उसकी रूट्स से कुछ केमिकल निकल रहे हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस निकल रहे हैं, टॉक्सिन निकल रहे हैं, जो कि दूसरी क्रॉप को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरी जो साइड में क्रॉप लगी हुई है इसको भी प्रभावित कर सकते हैं, या जो सक्सीडिंग क्रॉप है, जैसा कि मैंने आपको सिक्वेंशियल क्रॉप बताया था, सिक्वेंशियल क्रॉप में एक के बाद हम जो है दूसरी क्रॉप, तीसरी क्रॉप, इस तरीके से कंटिन्यू जो है सिक्वेंस में हम लोग क्रॉप को लगाते हैं, एक की हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरे की हार्वेस्टिंग के बाद तीसरी क्रॉप, इस तरीके से सिक्वेंस में लगाते हैं। तो अगर इसके द्वारा जो केमिकल निकल रहे हैं ये इसके पास में लगी हुई दूसरी इंटरक्रॉप को या फिर सक्सीडिंग क्रॉप को प्रभावित कर रही है तो इसको क्या कहते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं, इसको हम एलिलोपैथी कहते हैं। तो एक तरीके से तो ये हो गया कि ये जो है रूट से केमिकल को निकाल रहा है और इसको जो है प्रभावित कर रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो फसल है इसका रेसिड्यू जो है, इसका जो रेसिड्यू है ये मान लीजिए जो है काट ली गई, हार्वेस्ट कर ली गई, या फिर ये हार्वेस्ट नहीं की गई, इसकी पत्तियां जो गिर रही हैं
जमीन पे इसकी जो पत्तियां गिर रही हैं और वो जो डिकम्पोज हो रही हैं, तो उससे कोई केमिकल निकल रहा है और इसको जो है एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। सक्सीडिंग जो क्रॉप है या फिर इसके साथ जो लगी हुई क्रॉप है, इसको जो है एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, इसको निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? एलिलोपैथी कहेंगे। उसकी हम क्या कहेंगे? एलिलोपैथी कहेंगे। तो उम्मीद है एलिलोपैथी आपको समझ में आया होगा, एलिलोपैथी भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए, ये जो एलिलोपैथी है ये दो तरीके की होती है, जो एलिलोपैथी होती है ये दो तरीके की होती है, एक तो ट्रू एलिलोपैथी, एक तो ट्रू एलिलोपैथी, ट्रू एलिलोपैथी हो गई, दूसरी जो है फंक्शनल एलिलोपैथी हो गई, दूसरी जो है फंक्शनल एलिलोपैथी हो गई। अब ट्रू एलिलोपैथी क्या है भाई? ट्रू एलिलोपैथी क्या है? ट्रू एलिलोपैथी का मतलब है कि कोई केमिकल जो है इस वाली क्रॉप से निकल रहा है और डायरेक्ट जो है वो इस क्रॉप को इफेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो क्रॉप है ये डायरेक्टली टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है जो कि दूसरी क्रॉप को जो है प्रभावित कर रही है। अच्छा, सपोज डैट इस क्रॉप से कोई एक केमिकल निकल रहा है जो दूसरी क्रॉप को प्रभावित नहीं करता है, ए केमिकल जो है इस क्रॉप से निकल रहा है, केमिकल ए जो है इस क्रॉप से निकल रहा है जो कि इस क्रॉप को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये जब मॉडिफाई हो गया बी में, ये जब मॉडिफाई हो गया केमिकल बी में, तब ये इसको प्रभावित करता है, तो इस तरीके की एलिलोपैथी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल एलिलोपैथी बोलते हैं। तो फंक्शनल एलिलोपैथी में क्या होगा? एक फसल के द्वारा एक प्रीकर्सर निकलेगा, टॉक्सिन का जो है प्रीकर्सर निकलेगा जो कि फिर टॉक्सिन में परिवर्तित होगा और फिर जो है सक्सीडिंग क्रॉप या फिर जो इसके साथ इंटरक्रॉप लगा हुआ है उसको ये प्रभावित करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शनल एलिलोपैथी होगा। ट्रू एलिलोपैथी में डायरेक्ट जो है ये जो प्लांट्स है ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, केमिकल को प्रोड्यूस करेगा जो कि इस क्रॉप को प्रभावित करेगी, चाहे वो डायरेक्टली प्रभावित करे या फिर इनडायरेक्टली प्रभावित करे, लेकिन ये डायरेक्ट जो है रिलीज होगा कहाँ से? इस क्रॉप से रिलीज होगा, टॉक्सिन रिलीज होगा, टॉक्सिन के फॉर्म में ही रिलीज होगा, एलिलो केमिकल्स के रूप में ही निकलेगा। एलिलो केमिकल्स यही है जिसके पास एलिलोपैथिक इफेक्ट हो, ऐसे केमिकल्स जो कि किसी क्रॉप के द्वारा निकले हो, दूसरी क्रॉप पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हो, उनको हम बोलते हैं एलिलो केमिकल। क्या बोलते हैं? एलिलो केमिकल, उनको बोलते हैं एलिलो केमिकल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो एलिलोपैथी के दो टाइप हैं ये भी समझ में आए होंगे, एक तो ट्रू एलिलोपैथी, दूसरा जो है फंक्शनल एलिलोपैथी। ट्रू एलिलोपैथी में एलिलो केमिकल्स डायरेक्ट निकलता है और दूसरी क्रॉप को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। फंक्शनल एलिलोपैथी में एक प्रीकर्सर निकलता है, एलिलो केमिकल्स का प्रीकर्सर निकलता है जो कि बाद में एलिलो केमिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर ये जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी क्रॉप को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एलिलोपैथी के दो टाइप्स को समझ लिया। तो अभी ये जो एलिलोपैथी है, देखिए ये जो एलिलोपैथी है ये दो तरीके से, दो वे में जो है इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये जो एलिलोपैथी है इसका जो है दो तरीके से इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक तो जो है ऑटो एलिलोपैथी हो गया, ऑटो एलिलोपैथी हो गया, ऑटो एलिलोपैथी एलिलोपैथी, और दूसरा जो है एलो एलिलोपैथी, एलो एलिलोपैथी। अब ऑटो एलिलोपैथी में क्या होगा और एलो एलिलोपैथी में क्या होगा? ऑटो एलिलोपैथी एक ऐसी एलिलोपैथी है जिसमें कि जो केमिकल निकलेंगे वो उसी क्रॉप स्पीसीज को डैमेज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रॉप लगी हुई है तो इसी क्रॉप स्पीसीज को जब इसके केमिकल्स जो है जो निकल रहे हैं इससे एलिलो केमिकल्स जब इसी क्रॉप स्पीसीज को डैमेज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटो एलिलोपैथी बोलेंगे, चाहे वो इसी क्रॉप को डैमेज करें, स्वयं को इसको डैमेज करें, या फिर इसी क्रॉप स्पीसीज के दूसरे प्लांट्स को जो है इफेक्ट करें, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटो एलिलोपैथी बोलेंगे। अच्छा, एलो एलिलोपैथी में क्या होगा कि इस क्रॉप स्पीसीज
मान लीजिए ट्रिटिकम एस्टिवम ये है, तो इससे जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो दूसरी स्पीसीज दूसरी क्रॉप को जो है क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एलो एलिलोपैथी बोलेंगे। तो एलिलोपैथी दो तरीके से ऑब्जर्व की जा सकती है, एक तो ऑटो एलिलोपैथी अगर स्वयं की स्पीसीज को डैमेज कर रही है, तो फिर ऑटो एलिलोपैथी अगर दूसरी स्पीसीज को प्रभावित करता है तो फिर एलो एलिलोपैथी ये हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ऑटो और एलो एलिलोपैथी समझ में आई होगी। ठीक है, अभी देखिए इसी एलिलोपैथी से रिलेटेड कुछ टर्म है जिनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसमें जो है एक टर्म है सॉर्गम इफेक्ट, एक टर्म है सॉर्गम इफेक्ट, सॉर्गम इफेक्ट। दूसरा टर्म है कॉटन इफेक्ट, दूसरा टर्म है कॉटन इफेक्ट। तीसरा टर्म है लेग्यूम इफेक्ट, लेग्यूम इफेक्ट। ठीक है, और चौथा टर्म है सनफ्लावर इफेक्ट, सनफ्लावर इफेक्ट। ठीक है, इसमें ये जो दो हैं ये एलिलोपैथी के अंतर्गत हम लोग जो है देखेंगे, सॉर्गम इफेक्ट और सनफ्लावर इफेक्ट। अच्छा, इसमें जो है पीच भी आता है जिसको आडू बोलते हैं, प्रूनस पर्सिका। ठीक है, पीच भी आता है, वालनट भी आता है, वालनट है नहीं, इन सभी को जो है मतलब इन सभी में एलिलोपैथी पाई जाती है। ये दूसरे जो है क्रॉप, ये इंटरक्रॉप या फिर सक्सीडिंग क्रॉप को ये सभी जो है प्रभावित करते हैं, चाहे वो पीच हो, चाहे वो वालनट हो, या फिर सॉर्गम हो, या फिर सनफ्लावर हो, ये सभी जो है दूसरी सक्सीडिंग क्रॉप या फिर इसके साथ में जो क्रॉप इंटरक्रॉप लगी हुई है इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, एलिलोपैथिक इफेक्ट रखते हैं। लेकिन कॉटन इफेक्ट दूसरा है, इसको हम लोग समझेंगे। लेग्यूम इफेक्ट दूसरा है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सॉर्गम इफेक्ट में क्या होता है, एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है इसमें, इसका जो रेसिड्यू है वो जो है डिकम्पोज होने में काफी टाइम लेता है, इसका जो रेसिड्यू है ये डिकम्पोज होने में काफी टाइम लेता है, और इससे कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं जो कि क्रॉप को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो जो सॉर्गम है ये जो है जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। जल्दी डिकम्पोज ना होने का एक कारण है कि इसका जो CN रेशियो होता है, जो कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो होता है, वो बहुत ही वाइड होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर ये CN रेशियो क्या होता है, एक नया टर्म आप लेकर के आ गए। CN रेशियो क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है, मतलब प्रत्येक यूनिट कार्बन की के लिए कितना यूनिट जो है नाइट्रोजन है। जैसा कि ह्यूमस का आपने पढ़ा होगा कि जो CN रेशियो होता है वो 10 होता है, तो ये 10 का मतलब केवल 10 नहीं, ये 10/1 या फिर हम कहें 11/1 भी होता है। ठीक है, तो ये 10/1 होता है। 10/1 का मतलब क्या है कि 10 यूनिट कार्बन है और एक यूनिट क्या है, नाइट्रोजन है। 10 यूनिट कार्बन और एक यूनिट क्या है, नाइट्रोजन है ह्यूमस में। तो इस तरीके से ये जो CN रेशियो है ये माइक्रोबियल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब जो माइक्रोब्स हैं सॉइल में उनकी ग्रोथ के लिए वो अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, जब माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी होगी तभी जो है डिकम्पोजिशन भी अच्छा होगा, जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं वो जो है अच्छे से क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, और उससे फिर जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर CN रेशियो ज़्यादा है तो वो जल्दी जो है डिकम्पोज नहीं होता है, क्योंकि कार्बन का अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है नाइट्रोजन की तुलना में। तो जब ये रेशियो बढ़ता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ थोड़ा सा जो है डाउन होती है, और जब ये डाउन होती है तो डिकम्पोजिशन थोड़ा सा डाउन होता है, नाइट्रोजन जो होता है सॉइल में वो इमोबिलाइज्ड चला हो जाता है, मतलब वो पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसी के वजह से जब हम सॉर्गम लगाते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग जब हो जाती है तो इसको डिकम्पोज करने के लिए हम 25% ज़्यादा जो है यूरिया का एप्लीकेशन या फिर नाइट्रोजन का एप्लीकेशन हम जो है करते हैं, 25% ज़्यादा नाइट्रोजन का हम एप्लीकेशन करते हैं जो भी सक्सीडिंग क्रॉप हम लगा रहे हैं उसमें। सॉर्गम के बाद अगर आपको कोई भी सक्सीडिंग क्रॉप लगानी है तो उसमें 25% ज़्यादा नाइट्रोजन आप देंगे, तब जाकर के आपको ये जो इसका बैड इफेक्ट है उससे आप छुटकारा पा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, अगर आप किसान हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तब ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती।
इसी तरीके से ये पीच और वालनट और सनफ्लावर ये सभी जो है एडवर्सली इफेक्ट करते हैं क्रॉप, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि जैसे सनफ्लावर को हमने हार्वेस्ट किया तो हम जो है करीब करीब 15 से 20 दिन रुक जाएं, 15 से 20 दिन हम क्या करें रुक जाएं, उसके बाद ही उसको जो है हम दूसरी क्रॉप लगाएं। जब हम इसके बाद दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो क्या होगा, इसका जो एलिलोपैथिक इफेक्ट है वो भी नहीं रहेगा और जो इमोबिलाइज नाइट्रोजन था वो भी जो है मोबिलाइज हो जाएगा क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ समय के बाद, अच्छा गांव में कुछ जो किसान है वो भले ही एलिलोपैथी वगैरह नहीं जानते हैं लेकिन वो सनफ्लावर जब लगाते हैं तो उसके जो है कुछ दिन बाद तक उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं, खाली छोड़ करके उसके बाद ही जो है वो क्रॉप को लगाते हैं। तो ये एक प्रकार से इसका एप्लीकेशन है, मतलब एलिलोपैथी इफेक्ट को जो है कम करने का एक प्रकार से एप्लीकेशन है, भले ही किसान नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जो नहीं जान रहे हैं वो इस चीज़ को अपने पेरेंट्स से जरूर बतावें, अपने जो एग्रीकल्चर है जो खेती है उसमें जो है इसको अप्लाई करें, ठीक है। इससे आपको जो एडवर्स इफेक्ट है इन फसलों का आपस में उससे जो है आप इस बच सकते हैं, आपको नुकसान जो है नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग समझते हैं कॉटन इफेक्ट। कॉटन इफेक्ट दूसरी चीज है। कॉटन इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो इसकी जड़ें होती हैं वो डीप जाती हैं, कॉटन की जो जड़ें हैं वो डीप जाती हैं, तो वो निचली सतह से निचली लेयर्स से जो है सॉइल की निचली लेयर से ये क्या करती हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अच्छा इसके बाद अगर आप जो है सैलो रूटेड लगा रहे हैं, मतलब जो उथली जड़ वाली जो है फसलें हैं उनको अगर लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो जो है इस पर्टिकुलर लेयर से फिर जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो जो सक्सीडिंग क्रॉप है, जो इसके बाद वाली क्रॉप है, अगर उथली जड़ों वाली लगाई जाए तो उसको न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छी मात्रा में मिल सकते हैं। तो यही जो है क्या है कॉटन इफेक्ट है। ये क्या है कॉटन इफेक्ट है। कॉटन जो है इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं जिससे ये निचली वाली जड़ सतह से जो है न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है और ऊपरी सतह में जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं जिससे सक्सीडिंग क्रॉप को बेनिफिट मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसी को बोलते हैं कॉटन इफेक्ट। अच्छा लेग्यूम इफेक्ट क्या है। लेग्यूम इफेक्ट ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेग्यूम ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें जो है रूट नोड्यूल्स होते हैं। रूट नोड्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अच्छा राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है ये फिक्स करता है और पौधों के लिए अवेलेबल बनाता है। ये जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लेग्यूमिनस क्रॉप्स और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में। राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए स्थान मिल जाता है और लेग्यूम्स क्रॉप को नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अच्छा इसका बेनिफिट आने वाली सक्सीडिंग क्रॉप्स को भी होता है या फिर जो इंटरक्रॉप लगी हुई है उसको भी होता है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को बोलते हैं लेग्यूम इफेक्ट। अच्छा लेग्यूम इफेक्ट जो होती है, लेग्यूम जो क्रॉप होती है ये फास्फोरस को ज़्यादा इफिशियंटली जो है एब्जॉर्ब कर पाती हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी ज़्यादा इफेक्टिवली जो है एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेग्यूम इफेक्ट। तो उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।